आज हम स्टोरी द मैजिक ड्रम का एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। द मैजिक ड्रम स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे, लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रामचंद्र एंड राम वर एन ओल्ड कपल। रामचंद्र और राम एक बूढ़े कपल थे। दे हैड वर्कड वेरी हार्ड एंड सेव्ड एवरी पैसा दे पॉसिबली कुड। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और एक एक पैसा उन्होंने जोड़ा था टू मेक देयर ड्रीम कम ट्रू, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें। दे वॉन्टेड टू विजिट काशी एंड ऑफर पूजा टू लॉर्ड विश्वनाथ। तो उनका सपना क्या था, वो काशी जाना चाहते थे और वहाँ पर जाके लॉर्ड विश्वनाथ की पूजा करना चाहते थे। दे सेव्ड फॉर मैनी ईयर्स एंड वन डे वर डिलाइटेड टू फाइंड दे हैड इनफ मनी फॉर देयर पिलग्रिमेज। उन्होंने कई सालों तक सेविंग करी थी और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पास काफ़ी पैसे हो गए थे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, इसलिए वो बहुत खुश थे। दे सेट आउट ऑन द लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी। तो वो लंबी और ख़तरनाक यात्रा के लिए निकल पड़े। हैड बीन वॉर्न्ड दैट देयर वुड बी मैनी थीव्स ऑन द वे एंड हेंस वर क्वाइट केयरफुल विद देयर बिलोंगिंग्स स्पेशली देयर स्मॉल पाउच। और उनको लोगों ने वॉर्न कर दिया था, उनको लोगों ने चेतावनी दे दी थी कि रास्ते में बहुत सारे चोर मिलेंगे उन्हें, और इसलिए वो अपनी बिलोंगिंग्स अपने सामान के साथ बहुत ही केयरफुल थे, स्पेशली एक छोटा सा पाउच जिसके अंदर उन्होंने पैसे रखे थे। दे हैड पुट ऑल देयर मनी इन इट। तो उस स्मॉल पाउच में उन्होंने अपना जितने भी सेविंग्स थी, जितने भी पैसे थे, वो सब स्मॉल पाउच में रखे थे, इसलिए वो उसको बहुत केयरफुली कैरी कर रहे थे। ऑन द वे टू काशी दे पास्ड सोवीरा अ स्मॉल विलेज। और जब वो काशी जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा गांव सुवीरा पड़ा। दे हैड हर्ड दैट इट वॉज अ गुड प्लेस टू स्टे द नाइट। उन्होंने सुन रखा था कि वो एक अच्छी जगह है रात बिताने के लिए। सो द ओल्ड कपल डिसाइडेड टू स्टॉप एंड स्पेंड द नाइट इन वन ऑफ द डॉर्मिटरी देयर। तो उन बूढ़े कपल ने सोचा कि यहीं पर रुक जाते हैं और यहीं पर किसी डॉर्मिटरी में रात गुजारेंगे। कामेश द ओनर ऑफ दैट डॉर्मिटरी टोल्ड द कपल टू लीव देयर बिलोंगिंग्स विद हिम एंड फ्रेशन अप फॉर डिनर। डॉर्मिटरी का जो ओनर था कामेश, उसने उन कपल से कहा कि अपनी बिलोंगिंग्स को उसके पास छोड़ दें, अपने सामान को उसके पास छोड़ दें और जाकर डिनर के लिए फ्रेश हो जाएं। बट द टू रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन दोनों ने, राम ने और रामचंद्र ने, मना कर दिया। राम सेट होल्डिंग द बैग कंटेनिंग द मनी वाइल रामचंद्र वेंट टू टेक अ बाथ। रामचंद्र बाथ लेने के लिए गया, तब राम जो बैग में मनी रखी थी उसको पकड़कर वहीं सामान के पास बैठा रहा। आफ्टर ही फिनिश्ड ही सेट होल्डिंग द बैग एंड राम वेंट टू वॉश अप। और जब रामचंद्र बाहर आ गया तो वो सामान के पास बैठ गया बैग को होल्ड करके और राम फ्रेश होने के लिए चला गया। देन दे हैड डिनर चैटेड विद कामेश फॉर सम टाइम। फिर उन्होंने डिनर करा, कामेश से थोड़ी देर बात करी, वेंट इन टू दियर रूम। फिर वो अपने कमरे में चले गए। दे डिसाइडेड टू यूज द पाउच एज अ पिलो एंड रामचंद्र स्लेप्ट विद इट अंडर हिज हेड। और उन्होंने सोचा कि जिस पाउच में मनी थी उसको अपने पिलो की तरह यूज़ करेंगे, और रामचंद्र ने उसे अपने सर के नीचे रखा और सो गया। द फर्स्ट थिंग दे डिड व्हेन दे वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज चेक फॉर देयर बैग फॉर देयर मनी बैग। और जब वो नेक्स्ट डे उठे तो सबसे पहले उन्होंने उस मनी बैग को ढूंढा। टू देयर हॉरर दे डिस्कवर्ड इट वॉज मिसिंग। और उन्होंने ये पाया कि वो मनी बैग मिसिंग है, वो मनी बैग वहाँ पर नहीं है। वाइल दे वर स्लीपिंग द लॉज ओनर कामेश एंड हिज वाइफ हैड एंटर्ड द रूम। जब वो सो रहे थे तो लॉज ओनर कामेश और उसकी वाइफ रूम में आए थे एंड रिमूव द बैग फ्रॉम अंडर द ओल्ड मैन्स हेड। और कामेश ने और उसकी वाइफ ने ओल्ड मैन के हेड के नीचे से बैग रिमूव कर दिया। द टू क्राइड एंड डिस्पेयर नाउ दे वुड नॉट बी एबल टू कम्प्लीट देयर पिलग्रिमेज। और दोनों ही नाउमीद होकर रोने लगे क्योंकि अब वो अपनी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाएंगे बिना पैसों के। देन दे वेंट टू कामेश टू कम्प्लेन। और फिर वो कामेश से शिकायत करने के लिए गए। बट कामेश कूलली रिप्लाइड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर बैग। लेकिन कामेश ने बहुत ही कूलली रिप्लाई करा कि मुझे तुम्हारे बैग के बारे में कुछ नहीं पता। You are old. You must have dropped it somewhere. तुम बूढ़े हो गए, हो सकता है तुमने रास्ते में कहीं गिरा दिया हो। This is an honest person's lodge. और ये एक ईमानदार आदमी का लॉज है। After some arguments, the elderly couple walked out, clutching their small bag of clothes and some food. और कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद वो दोनों बूढ़े कपल अपना छोटा बैग ऑफ क्लोथ्स और कुछ खाना लेकर उस लॉज से बाहर निकल आए। एज दे वॉक्ड थ्रू द विलेज दे टोल्ड मैनी पीपल दियर स्टोरी।
और जब वो उस गांव से जा रहे थे तो उन्होंने कई लोगों को अपनी ये स्टोरी सुनाई। अ टीचर सिटिंग एंड टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर अ ट्री हर्ड देम एंड डिसाइडेड दे शुड बी गिवन जस्टिस। एक टीचर जो अपने बच्चों को ट्री के नीचे पढ़ा रहा था, उसने उन लोगों की स्टोरी सुनी और उसने सोचा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। टोल्ड देम टू गो टू द सिटी वेयर कृष्ण कांत द किंग्स काउंसिलर लिव्ड। He was famous for his sense of fairness. उस टीचर ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें शहर जाना चाहिए जहाँ पे कृष्ण कांत जो कि किंग का काउंसलर है वो रहता है और वो अपने जजमेंट के लिए फेमस है। कृष्ण कांत हर्ड दी स्टोरी एंड सेड आई हैव ड्रम इन माई हाउस। कृष्ण कांत ने उनकी स्टोरी सुनी और कहा कि मेरे घर में एक ड्रम है। इफ़ यू टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द ड्रम इट स्टार्ट्स बीटिंग बाय इटसेल्फ। अगर आप उस ड्रम के सामने सच बोलोगे तो वो अपने आप बजने लगता है। You come to my house tomorrow morning and carry the drum to the court. उसने कहा कि कल सुबह तुम लोग मेरे घर आओ और उस ड्रम को कोर्ट तक लेकर जाओ। On your way, tell the drum your story. I will send word to Kamesh to come and carry the drum back in the afternoon. और रास्ते में उस ड्रम को अपनी पूरी कहानी जो भी तुम्हारे साथ हुआ उस ड्रम को बताते हुए आना और मैं कामेश से भी कहूँगा कि वो भी आएगा और वो उस ड्रम को कोर्ट से वापस मेरे घर की तरफ जाएगा और अपनी स्टोरी सुनाता हुआ जाएगा। तो जो भी सही अपनी जिसकी भी कहानी सही होगी ड्रम उसकी अपने आप बजने लगेगा और फैसला हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। आई विल सी हाउ द ड्रम बिहेव्स एंड बी रेडी विद द वर्डिक्ट इन द इवनिंग। और फिर मैं देखूंगा कि ड्रम कैसे बिहेव करता है और फिर अपने वर्डिक्ट के लिए शाम को रेडी रहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग राम एंड रामचंद्र स्टार्टेड वॉकिंग विद द मैजिक ड्रम टू द कोर्ट। इट वॉज वेरी हैवी। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह राम और रामचंद्र उस मैजिक ड्रम के साथ कोर्ट की तरफ जाने लगे और ड्रम बहुत ज़्यादा हैवी था। द कोर्ट वॉज एट अ डिस्टेंस एंड द टू वर सून टायर्ड। कोर्ट थोड़ा दूर था और दोनों ही जल्दी ही थक गए। दे सॉ अ बिग बैनियन ट्री एंड डिसाइडेड टू रेस्ट इन इट्स शेड। उन्होंने देखा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और उन्होंने सोचा कि इसके नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। दे पुट द ड्रम डाउन एंड सैट इन द ट्री। और उन्होंने ड्रम को नीचे रखा और उस पेड़ के नीचे बैठ गए। राम सेट विल नेवर गेट जस्टिस इन दिस स्ट्रेंज किंगडम। राम ने रामचंद्र से कहा कि हमें कभी भी इस अजीब जगह पर इंसाफ नहीं मिलेगा। लेट अस गो बैक होम। चलो वापस घर चलते हैं। रामचंद्र रिप्लाइड आई वॉज सो केयरफुल विद द मनी येट वी लॉस्ट इट। रामचंद्र ने कहा कि केयरफुल था मनी के साथ तब भी हमने उसे खो दिया। मे बी द लॉर्ड डज नॉट विश अस टू विजिट हिम। हो सकता है भगवान की ही मर्जी नहीं है कि हम उसको विजिट करें। एज सून एज ही सेड दीज वर्ड्स द साउंड ऑफ बीटिंग केम फ्रॉम द ड्रम। जैसे ही उसने ये कहा तो ड्रम में से बीटिंग की आवाज़ आने लगी, ड्रम बजने लगा। द ओल्ड कपल वॉज वेरी हैप्पी। और बूढ़े कपल बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वी हैव नो विटनेस। हमारा कोई गवाह नहीं है। बट नोज वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ। लेकिन भगवान जानता है कि हम सच बोल रहे हैं। देन दे स्टूड अप। फिर वो खड़े हो गए। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग सम वाटर फ्रॉम द नियर बाय स्ट्रीम। फिर पास वाले झील से कुछ पानी पीने के बाद दे पिक्ड अप द ड्रम। उन्होंने ड्रम उठा लिया। टू देयर सरप्राइज दे फाउंड इट हैड बिकम मच लाइटर। और वो सरप्राइज हो गए क्योंकि अब ड्रम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था। गॉड मस्ट हैव हर्ड अस दे टोल्ड ईच अदर हैप्पीली। और उन्होंने खुशी खुशी एक दूसरे से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली। That is why he has made our load lighter. इसलिए उसने हमारा लोड हल्का कर दिया। In the afternoon, it was the turn of Kamesh and his wife to carry the drum back from the court. Afternoon में कामेश और उसकी वाइफ की टर्न थी कि वो कोर्ट से ड्रम लेकर कृष्ण कांत के घर तक लेकर जाएंगे। The two found it very heavy. और उनको भी वो ड्रम बहुत हैवी लगा। And decided to sit under the big tree to rest. और उन्होंने भी ये सोचा कि चलो इस बैनियन ट्री के नीचे बैठ कर रेस्ट कर लेते हैं। As soon as they sat down, और जैसे ही वो बैठ गए the wife started blaming her husband. और wife ने अपने husband को दोष देना शुरू कर दिया। Why did you have to steal the money? तुम्हें पैसे चुराने की क्या ज़रूरत थी? Now see what a mess we are in. अब देखो हम किस मुसीबत में फंस गए। कामेश replied angrily, You are a good one to blame me. कामेश ने गुस्से में कहा कि तुम बहुत अच्छी रही कि तुम मुझे ही दोष दे रही हो। Who unlocked the door? And showed me where the pouch was kept. किसने दरवाज़ा खोला था और मुझे बताया था कि कहाँ पर पाउच रखा है पैसों का। Anyway, do you actually believe this is a magical drum? क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में कोई जादुई ड्रम है? I think it is all a lie. मुझे लगता है ये सब झूठ है। Now कृष्ण कांत himself opened the top of the drum and jumped out. अब कृष्ण कांत ने उस ड्रम का टॉप खुद ही खोला और उस ड्रम में से बाहर
जंप कर दिया. आई एम द विटनेस, उसने कहा कि मैं गवाह हूँ. आई हर्ड एवरी वर्ड यू सेड, तुमने एक एक शब्द जो कहा वो मैंने सुन लिया है. एंड ऑल्सो वॉट राम एंड रामचंद्र सेड, और जो राम और रामचंद्र ने कहा था वो भी मैंने ही सुना था. यू विल रिटर्न द स्टोलन मनी एंड ऑल्सो पे 3 times मोर एज पेनल्टी, तुमने जितने पैसे चुराए हैं वो वापस करोगे राम और रामचंद्र को, और 3 गुना ज़्यादा पैसे वापस करोगे क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है. राम एंड रामचंद्र वर डिलाइटेड व्हेन दे हर्ड द वर्ड. ये फैसला सुनकर राम और रामचंद्र दोनों ही बहुत खुश हो गए. दे वेंट ऑन टू कम्प्लीट दियर पिलग्रिमेज इन कम्फर्ट, और उन्होंने अपनी पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को कम्फर्टेबली कम्प्लीट करा. ऑल द वाइल ब्लेसिंग कृष्णकांत एंड हिज मैजिक ड्रम, और वो कृष्णकांत और उसके मैजिक ड्रम को ब्लेसिंग्स देते रहे.